तो फाइनली अपन लेके आ चुके हैं जिसमें कि अपन अपने डायमंड आर्मर को चेंज करने वाले हैं इन नैदर आइटम प्लस टूल्स को। तो अभी मैं लेवल अप करने आया था क्योंकि मुझे डायमंड एक्स को इंजेंट करना था, जो कि बिदर वाले एपिसोड में अपन रिस्पॉन हो चुके थे। ठीक है, तो अभी मेरे 25 लेवल्स तो हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी और अपडेट करने के लिए, मतलब और लेवल्स के लिए मुझे स्वॉर्ड चाहिए, जो हैं माइनिंग के नीचे चेस्ट पड़े हैं उनसे लेके आता हूँ। ठीक है, तो बाकी भाई कमेंट में बताना पिछले एपिसोड कैसे लगे। बाकी लाइक सब्सक्राइब करके जाया करो यार, जब नहीं करते तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ठीक है, तो भाई अभी मैं फटाफट जो है स्वॉर्ड बना लेता हूँ। बाकी सभी को पता होगा यार, जब आप कोई इतनी चीज़ आप इतनी मेहनत से कोई चीज़ करते हो, देन उसको कोई इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, तो खुद को कितना बुरा लगता है। ठीक है, मैं फटाफट जो है एक्सपी गेन कर लेता हूँ, देन मैं आपको डायरेक्ट जो है ऊपर मिलता हूँ। ठीक है, तो ये देख लो, तो अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, तो मैं फटाफट कॉल ले लेता हूँ और नैदर राइट ले लिए। मेरे पे ये पड़े थे तो इनको मैं हाफ ऑफ करके ब्लास्ट फर्नेस में डाल देता हूँ। ब्लास्ट फर्नेस मेरे पे पहले से पड़े थे। ठीक है, जिन्होंने पिछले एपिसोड नहीं देखे, इस एपिसोड के बाद पिछले एपिसोड भी देख लेना, तो पहले के एपिसोड देख लेना। ठीक है, तो अभी मैं फटाफट जो है अपन ने उसको तो रख दिया है, तो अभी मैं देख लेता हूँ। मेरे पे अभी लैपिस नहीं है। ठीक है, अभी लैपिस की माइनिंग पे चलते हैं अपन। तो लैपिस की माइनिंग पे आ चुके हैं, तो आयरन तो मिल चुका है, मे भी लैपिस पे जल्दी तो लो अब लैपिस में मिल चुके हैं। अभी मैं सिल्क टच की पिकैक्स लेके आया था क्योंकि मैं इनको ऊपर जाके ही माइनिंग करने वाला हूँ। देन अपन इस आयरन को भी लेके चले जाते हैं ऊपर, और क्योंकि आयरन भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस चीज़ को नहीं पता मेरी जो क्या कहते हैं उसे, अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, इसको माइनिंग कर लेते हैं। और जो एनविल थी वो टूट चुकी थी जब मैं इसको रिपेयर कर रहा था आर्मर को, दैट्स वाई मुझे आयरन की बहुत ज़रूरत है। तो आयरन तो क्या ही कह सकते हैं, बहुत कम मिले हैं। लैपिस मिल चुके हैं, तो अभी ये भी कम्प्लीट हो चुके हैं। और आयरन और गोल्ड को मैं रख देता हूँ फॉर स्मेल्ट होने के लिए, और देन फटाफट अपन जो है इसको इंचेंट कर लेते हैं। तो भी इस पे एफिशिएंसी 4 मिल रही है भाई, अकेले एफिशिएंसी 4, इसको डिसइंचेंट कर लेते हैं क्योंकि ये मेरे पास एक लास्ट चांस और पड़ा है। इसको वापस इंचेंट करके देखते हैं, तो ये मेरे कहीं 3 भाई साहब अकेला देगा। तो अभी अपन जो है अपन ने नेदराइट कर लिया है, तो अभी सभी को चीज़ों को रख देते हैं। तो अभी नेदराइट इनका बना लेते हैं अपन, तो फाइनली कितनी बनेगी देखते हैं ये क्या है। चलो बनाएंगे जब, अगर रही तो 13 बन चुके हैं। अभी ये सब चीज़ें जो है रख के प्लस आर्मर को लेके चलते हैं। अभी मैं घर में आ चुका हूँ अपने मॉडर्न हाउस में, तो यहाँ से अपन फटाफट जो आर्मर प्लस टूल्स को नेदर राइट में चेंज कर देते हैं। तो भाई एक बात है जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि इसको नेदर राइट की माइनिंग के लिए बहुत टाइम लगा था, मुझे लगे थे 77 प्लस आर, 7 घंटे से ज़्यादा वक्त लगा था इस नेदर राइट की माइनिंग में। ठीक है, एपिसोड भले ही छोटा हो पर बैकग्राउंड में टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस पर लाइक तो वीडियो पे बनता है यार। तो मैं फटाफट जो है अभी यहाँ मैं टनल बनाता हूँ, जो कि मेरी माइनिंग की जो टनल है नीचे जाती है उसको डायरेक्ट इस मॉडर्न हाउस से कनेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है बाहर लगा हुआ है। तो इसको मैं मॉडर्न हाउस से कनेक्ट करने वाला हूँ, देन फ्यूचर में नीचे बहुत से रूम बनाने वाले हैं। ठीक है, तभी मैं स्ट्रेट डिगिंग करने लग चुका हूँ। तो भाई थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी तो इग्नोर करना, इतना मैं जितनी हो सकता हूँ उतनी कम नॉइज़ गेन करता हूँ। ठीक है, बाकी थोड़ी बहुत तूफान चल रहा है, दैट्स वाई नॉइस आ रही होगी। तो अभी जो है अपन फटाफट नीचे टेकिंग करते हैं, देन मैंने कोऑर्डिनेट्स चेकआउट कर लिए थे कहाँ से मुझे मुड़ना है, तभी टेकिंग करते चलते हैं। मुझे मुड़ना है 400 300 -360 पे। ठीक है, अब जेड कोऑर्डिनेट्स, तो अभी गेम मिल चुकी है जिसमें कि अपने को अभी तक तो कोल और आयरन मिल चुका है, कोपर ही मिला था जो कि पीछे है, वो मैं बाद में माइनिंग करूँगा। अभी इसको इस आयरन को लेके अभी ये कोल मिल चुका है, मेरे पे सिल्क टच की पिकैक्स है। ठीक है, फिर से आयरन, आयरन बहुत ज़रूरी है भाई, सच बता रहा हूँ आयरन बहुत ज़रूरी है लिटरली। इसको अपन ऊपर जाके माइनिंग करेंगे, कोपर भी ले लेते हैं क्योंकि मैं कोपर से कुछ इंटरेस्टिंग बनाने गई
इंटरेस्टिंग बिल्ड बनाने की सोच रहा हूँ, तो उसके लिए कॉपर बहुत चाहिए रहेगा। पहली बार कॉपर चाहिए रहेगा, नहीं तो पेस्ट है कॉपर। अगर बिल्ड बना रहा है तो वही कॉपर अच्छा है, नहीं तो किसी काम का नहीं। बहुत कम यूज़ है, मुझे हैंग वालों को कॉपर का यूज़ और ऐड करना चाहिए, ठीक है, जिससे कॉपर की अहमियत भी ज़्यादा हो। कोई अहमियत नहीं है भाई अभी तो कॉपर की, ठीक है। तो अभी अपन टिकिंग करते चलते हैं, देन होपफुली इसको मैं कनेक्ट करने के बाद ही मिलने वाला हूँ। तो फिर मैं ऊपर आ चुका हूँ और जितने भी मेरे पास ओर्स मिले हैं उसको तो मैंने कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। उसको दिखाने का सेंस बनता नहीं था, सिर्फ कनेक्ट ही किया। और जितने भी मेरे पे ओर्स मिले हैं इस माइनिंग के दौरान, पर उन सभी को जो है माइनिंग माइन करने वाले हैं। तो मुझे 34 जो है वो आयरन मिला टोटल, और 34 ही कॉपर मिला। देखते हैं कौन सा ज़्यादा निकलता है फॉर्चून 3 से, ठीक है, माइनिंग करने के पे। तो अभी ये रहा थोड़ा बहुत आयरन, रख दिया अपन ने। अभी ये 6 ब्लॉक्स रेस्टोन के और एक ब्लॉक गोल्ड का, भी 39 ब्लॉक्स गोल्ड के हैं। मेरे हिसाब से कोल जो है वो कम ही मिलेगा, एक स्टैक मिल सकता है, क्योंकि कोल बहुत कम ही मिलता है। मेरी किस्मत में कोल फॉर्चून से भी ज़्यादा नहीं निकलता। वो 28 लेवल हो चुके हैं, देख लो भाई, जब लेवल की ज़रूरत होती है तब लेवल नहीं होते। तो अभी हम फटाफट जो है चल के अपन माइनिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं, और थोड़ी बहुत इन्वेंट्री क्लियर कर लेते हैं। तो पहले अपन आयरन माइनिंग करते हैं, तो कमेंट में बताओ कितने आयरन हो सकते हैं। आयरन, कॉपर और रेडस्टोन बताओ, और मेनली कोर बताओ कितने होंगे, कितने मिलने वाले हैं। तो फटाफट अपन चेकआउट कर लेते हैं। एक स्टैक प्लस 11 आयरन मिले, और रेड कॉपर तो मुझे लग रहा है बहुत मिलेगा, कि इसका कोई यूज़ नहीं है ना, वो चीज़ बहुत मिलती है इसका यूज़। तो अभी अपने को ये कितने, भाई ये तो बहुत ज़्यादा मिल गया भाई, थिंकिंग से भी ज़्यादा है भाई साहब। ये है टोटली 4 स्टैक से भी ज़्यादा। तो ये जो रेडस्टोन है ये भी वैसे तो यूज़ बहुत है, पर 34 ही मिला। तो उसको मैं बाद में स्मेल्ट कर लूँगा, जो जो चीज़ स्मेल्ट करनी है। और रही बात कोल की, उसको भी माइनिंग कर लेते हैं, देखते हैं कितना अपने को कोल मिलने वाला है, ठीक है। तो अपन लगभग अपन ने कोल भी माइनिंग कर लिया, और ये एक स्टैक प्लस 23 मिला है। तो अभी इन चीज़ों को मैं रख देता हूँ, ठीक है। तो अभी सभी को जो जितना भी पे कोल है वो भी रख देता हूँ। भाई इसका भी अपन सोच रहा हूँ कि मैं शिफ्ट कर दूँ इसको भी रूम को, देन वो अपन फ्यूचर के एपिसोड में देखेंगे किस किस को शिफ्ट करना है। और मैं भी आपको जल्दी असेंपी भी दोबारा देखने को मिलेगी, तो कमेंट में बताना किस किस को असेंपी की वेट है। तो अभी अब मैंने उसको तोड़ दिया है, और देन अपने यहाँ क्लियर कर देते हैं। तो भाई यही था आज का एपिसोड, जिसमें कि अपन ने आयरन सॉरी डायमंड आर्मर को नेदराइट में चेंज किया था, प्लस अपने माइनिंग को मोरनाउ से कनेक्ट किया था टनल वाइज टनल, ठीक है। और प्लस थोड़े बहुत काम किए थे, देन अपन ने थोड़े बहुत और माइनिंग किए थे। और बाकी जो असेंपी है उस पर अभी डिस्कशन चल रही है, वो मे भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में बताना किस किस को असेंपी के एपिसोडों की वेट है। प्लस जो मेंबर ज्वाइन होना चाहता है कमेंट में बताओ, प्लस कोई आइडियाज़ है असेंपी के लिए तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।